सब्सक्राइब कीजिए लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सभी विटामिन की तरह विटामिन सी भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन जैसे कि आपको पता है जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक होती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से भी कई नुकसान होते हैं। वैसे सभी लोग ये बात जानते हैं कि विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से नुकसान होता है, फिर भी लोग इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से मिलता है, अथवा वे लोग अनजाने में सब कुछ खाते पीते रहते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि नींबू, संतरा, आंवला और अमरूद जैसे खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें ज्यादा खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की अपेक्षा विटामिन सी के टैबलेट में कई गुना अधिक विटामिन सी होता है, इसलिए हमें इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से ज्यादा नुकसान नहीं होता, जबकि विटामिन सी के टैबलेट का सेवन अधिक करने से बहुत नुकसान होता है। वैसे जिन लोगों के शरीर में विटामिन सी की मात्रा अधिक है उन्हें इन विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से हमें क्या क्या नुकसान होता है। नंबर वन, आयरन की शरीर में हो सकती है अधिकता। दोस्तों, आयरन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, पर जैसे कि हमने कहा जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक होती है, ठीक उसी तरह ज्यादा आयरन भी हमें नुकसान पहुंचाती है और विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे हमें होमोक्रोमाइटिसिस और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। नंबर टू, किडनी खराब होने का खतरा। ज्यादा विटामिन सी से हमारे किडनी को भी नुकसान पहुंचता है, इससे हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। इसके अलावा किडनी में पथरी होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती है और अधिकतर लोगों को पथरी की समस्या इसी के कारण ही होती है, इसलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए। नंबर थ्री, हड्डियों का कमजोर होना। दोस्तों, विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से शरीर की हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसका असर हमें शुरुआत में नहीं दिखता, पर आगे चलकर हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ खास नुकसान होते हैं विटामिन सी के अधिक होने से। इसके अलावा कुछ आम समस्याएं भी होती है, जैसे कि अधिक सर दर्द होना, बार बार सर्दी जुकाम होना, जोड़ों में दर्द होना, भूख न लगना, डायरिया आदि। ऐसे ही कई और भी समस्याएं होती है, इसलिए हमें अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, आयरन, फाइबर और जिंक आदि जैसे जरूरी तत्वों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इन तत्वों की कमी और अधिकता दोनों ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल बाकी के तत्वों का तो नहीं, पर हमें कितनी मात्रा में विटामिन सी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक वयस्क महिला को प्रतिदिन 75 मिलीग्राम और एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन 90 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। और हाँ, जितना हो सके फल, सब्जियां, अनाज जैसे खाद्य पदार्थों द्वारा ही विटामिन सी का सेवन करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही टैबलेट लें, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर। तो दोस्तों, बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में विटामिन सी की मात्रा अधिक होने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबा दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके, टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।